हमारी बहन, प्यारी बहन, फाइनली 14 साल की हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे माय गर्ल। मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, मैं टॉम बॉय हूँ। हाँ, टॉम बॉय का हेडशॉट खाइए कभी सर पे। अरे और हमारा केक इधर। अरे क्या बात है, एकदम मस्त बना लो भैया। चौदह साल की हो चुकी है फाइनली। मैं हैदराबाद का केक खाती भाई, प्लेन की। फिर हैदराबाद चले जाओ, इधर पुणे में क्यों रह रहे हो? गाइस, सब लोगों का स्वागत है मिस्टर मरुडू चैनल पे। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हो। तो घर में आज ना इतना उजाला हुआ है, कल रात को ये सब लाइटिंग का काम हुआ और इसको झूमर वगैरह लगाया, एकदम मस्त नया वाला। और ये देखो, ये लाइट और ये वाला एलईडी लगा है उसके अंदर, और इतना तगड़ा लुक लग रहा है घर का एकदम पहले से, और उजाला ही उजाला हो गया पूरा घर। और हमारा व्लॉग अभी पहले से काफी ज्यादा क्लियर और काफी ज्यादा अच्छा आएगा। और एक बात बोलना था, हमारी बहन, प्यारी बहन, फाइनली 14 साल की हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे माय गर्ल। और पार्टी क्या है आज? पार्टी बेटी कुछ है कि नहीं? पार्टी बेटी कुछ नहीं बोल रही है, इसको उठा के आप देगा मैं। ठीक है तो गाइस, अभी फटाफट में उठाओ 7:30 बजे, और कल रात को मैं जस्ट मैच देखा रियल मैड्रिड मैन सिटी का। इतना मजा आया मैच देखने, और कल मेरे को जस्ट पता चला कि तुम लोग को मतलब आज ही देना है, वेनसडे ना, आज ही देना है कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह सब कुछ लिख के सबमिट करना है। तो कल रात भर मैंने 3.5 घंटा कंटिन्यू लिखा 4 असाइनमेंट, और हम लोगों ने हमारा काम पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, और ये अभी दे दूंगा मैं कॉलेज में जाके। सो कोई ना, और कल रात को हम लोग ने इसका केक भी काटा गाइस। और आप लोगों, मैं जैसे कि बोल रहा था कल कि हम लोग जाएंगे उसका कपड़ा लाने, हम लोग आज उसका बर्थडे, आज जैसे मैं कॉलेज से आता हूँ घर पे, आज जाऊँगा। और हम लोग क्या करते हैं गाइस, अभी उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है, मोबाइल में देख रहा हूँ। ये देखो, बताता हूँ मैं तुम लोगों को। और अभी मैं क्या करता हूँ, कल रात का थोड़ा केक बचा है उसको पूरा मुँह को लगा था, पूरा केक केक कर देंगे उसको सुबह सुबह। हैप्पी बर्थडे एकदम सरप्राइज दे देंगे, प्रैंक तो कर रहा नहीं हो, बचा हुआ केक पूरा मुंह को लगा देता हूँ उसके। ये देखो केक इधर है, और ये केक को ले लेता हूँ मैं अभी पूरा, और एक सेकेंड। सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, लेट्स गो गाइस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थोड़ा लॉन्ग दे, थोड़ा लॉन्ग दे तो बक। 12 seconds later. गेल, हैप्पी बर्थडे। लॉन्ग ना सर, सिर को लगाएगा, लगाने दे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे। फाइनली हम लोग ने हमारा मिशन कंप्लीट कर लिया, लेट्स गो। ये देखो, ए ए रुके, फोटो निकाल लेते, ऐसा क्रीम निकाल लगा निकाल ले, रुक जा, फोटो निकाल लेते, ऐसा क्रीम निकाल लगाने लगे, रुक जा भैया, तोड़ खराब होते भैया। हम लोग ने हमारी बहन को केक लगा दिया है, और अभी वो फटाफट नहाने जा रही है, जैसे उसका नाके होता है फटाफट मैं भी नहा लूंगा, क्योंकि 8:30 बजे तक मेरे डॉट कॉलेज में रहना है, 9 बजे मेरा प्रैक्टिकल रहने वाला है। सो प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग कॉलेज में कंप्लीट करते हैं, और कुछ नहीं, इसका बर्थडे आज एकदम मस्त सेलिब्रेट होने वाला है, और आज हम लोग शाम को जाने वाले शायद होटल को खाना खाने। सो कुछ नहीं, आज एकदम खाना पी लेगा, और ये फाइनली मुंह धो के आ चुकी है, इसके टी शर्ट वगैरह को भी लगा, बट टी शर्ट को इतना नहीं लगा, मुंह को लगा था, मुंह धो लिया इसने। और हैप्पी बर्थडे माय गर्ल, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। 40 साल की हो गई है, 14 साल की, और आई होप अगले साल तक 15 साल की जल्दी हो जाए। फाइनली मेरा नाके हो चुका है, तो अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज। कॉलेज जाने से पहला तुम लोग एक बात बताना है। बात क्या है, ये हमारी मम्मी को लगा कि मैं आज घर पे ही रहने वाला हूँ, तो मम्मी क्या बोल रहे थे तुम बोलो? पराठा बना रही भाई, खा के जाता था। पराठा बना रहे अभी खा के, मैं अभी आने के बाद ठंडा पराठा खाएंगा। अरे क्या तू भाई, कभी आना। और तुमको टाइम मिला तो बब्बी के साथ जाके कपड़े लेके आ जाओ। क्या मालूम, मेरे मम्मी को मालूम नहीं था मेरा एग्जाम है, और मम्मी अभी पराठा बना रही है, मैं पराठा खाएंगा करके। अभी मैं रिंगवा ही नहीं घर पे, मतलब मैं जाऊंगा अभी कॉलेज, और आऊंगा कभी पता है डायरेक्ट 12-1 बजे तक घर पे आऊंगा, क्योंकि 9 से 12 प्रैक्टिकल है। सो कोई ना, दो बना के रखती है, ठीक है, दो बना के रखेंगे मम्मी मेरे लिए गरम, तभी खाऊंगा मैं। तभी फिलहाल मैं चलता हूँ कॉलेज, गैस टाइम वैसे भी हो चुका है। सो जैसे हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तभी आप लोगों को मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस।
अरे गाइस फाइनली अभी मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा एक 5 से 10 मिनट में, और अभी जस्ट मैंने जो रात को मतलब असाइनमेंट वगैरह मैंने जितना भी लिखा था तो वो असाइनमेंट के लिए मुझे फाइल चाहिए अटैच करने, वो पेपर मैंने मतलब जस्ट ऐसे ही बैग में रह गया, तो उतना काम करता हूँ मैं और फटाफट कॉलेज चलता हूँ और एक 5-10 मिनट में मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगा। नॉर्मली आ गया हूँ मैं, 2 किलोमीटर और ट्रैवल करना है मेरे को, सो चलते हैं कॉलेज, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देते, बेस्ट कॉपी करने मिला था कॉपी करते तो नहीं, सो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम होने का आप लोगों को मिलता होगा। स्टे ट्यून, आई होप तुम लोग आज मेरा व्लॉग लास्ट तक देखोगे, सो स्टे ट्यून गाइस। 2000 years later. एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुका है तो अभी हम लोग चलते घर पे, और प्रैक्टिकल एग्जाम टफ भी था और थोड़ा अच्छा भी था, बट कोई ना अभी घर पे चलते फटाफट आधे घंटे में। फाइनली कॉलेज से घर पे आ गया हूँ मैं और फटाफट अभी फ्रेश होता हूँ। सुबह मेरी प्यारी मम्मी ने जो मेरे लिए पराठा बनाया था, अभी वो गर्म पराठा मेरे को ठंडा ठंडा खाना पड़ेगा। अच्छा, गर्म ही चाहिए, कुछ गर्म नहीं, सब ठंडा है, पराठा वगैरह खाएंगे भाई, क्योंकि सुबह से मैं कुछ खाना वगैरह खाया नहीं। और मम्मी ने जो पैसा दी थी वो पैसा का प्रिंट वगैरह लिया कॉलेज में, सबमिशन दे डाले अपन प्रोजेक्ट, वो 202 रुपए चले गए, तुम जितना पैसा दिया उतना लग गया पैसा, मान लिया। क्या लाइट देख रहे बार बार, ये चमक रहा इतना अच्छे से, क्या मांगता और इतना प्यारा झूमर लेके आए तुम लोग ने बहन के बर्थडे के लिए। लक्ष्मी मिले भी रास्ता हॉस्पिटल मध्य 2005 ते मला लांड नाही ते सगळं, मी चालत नाही कुठे, मी कुठे नाही चालले, माझ्याकडे 1 रुपया नाही अकाउंट अकाउंटला नाही, तो मग ऐकलं जाऊ, मग हात पड दोरा खाना खा रहा तुम्हाला का जबरदस्ती जाऊन आलो ना महिने आला, चल मला सकट गाडी घेऊन अकेला जाऊ रिक्षा करके तो गाइस फटाफट फ्रेश होता हूँ, और मम्मी ने जो पराठे बनाए वो पराठे खा लेते, कुछ नहीं खा ले, मत का कुछ भी सिर्फ पानी पी लिया मैं बस, और मम्मी जो काम करने वाली है मम्मी अकेले जाके करने वाली, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला मम्मी के साथ। लोगों को बर्थडे कल सुबह से दिखाया नहीं, अभी 2 बज चुके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, 14 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हाँ, केक का ऑर्डर देने का था, हम लोग अभी जाके देंगे, चलो कपड़े कपड़े नहीं लेके आने का। मम्मी ने बोली कि ये कपड़े देखो भाई, ये आउटफिट देखो भाई, ओवर साइज टी शर्ट, ये ओवर साइज थैंक्स पैंट, ओ माय गॉड बबी व्हाट इज दिस बिहेवियर, कम हो ये बब्बी इतने ये। सो गाइस मुझे ज्यादा लगता ना, नहीं हम लाएंगे, नहीं नहीं बोल दे, सुनो मुझे ज्यादा लगता है ना ये कपड़े पिपड़े लाना अच्छी बात नहीं है अभी, नहीं क्या इतने कपड़े गिरे, इसके अकेले के लिए ना एक अलग से बक्सा बना के रखा, तुम लोग को बताता हूँ मैं बक्सा, एक सेकंड, उसके अकेले के कपड़े इधर सारे इसके कपड़े भरे, और ये देखो इसका साइज कितना बड़ा है भाई, तो पूरा इसका है, और इसको चाहिए देखो हंस रही है अभी साइज बड़ा इधर देखना है। तो मुझे ज़्यादा लगता है कपड़े लेने की बात अच्छी नहीं है, हम लोग केक ऑर्डर देंगे एकदम मस्त, और इसका बर्थडे एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये 14 साल की हो चुकी है, और ये देखो कैसे छुप रही है, इसका मुंह दिखा मुझे ये हमारे घर की इम्पोस्टर है, ठीक है, और आज इसका बर्थडे, चल तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ आज, गिफ्ट दे मला, गिफ्ट विफ्ट ना यार, कुछ चैलेंज वैलेंज करने का तो बोल, मजा करेंगे अब चैलेंज, हाँ पिज्जा, अरे पिज्जा का मैं थोड़ा तो खाने के बाहर आ जाओ बे, जिंदगी में खा खा के सिर्फ डेहरी बाहर निकल रहा है इंसान का, हमारे हमारा मतलब हमारा डेहरी बाहर निकल रहा है खा खा के, चैलेंज बोला तो चलो पिज्जा का चैलेंज, अरे खाने के सिवा और कुछ चैलेंज बोलो मोहतरमा, बोलो भाई चैलेंज की रह गई बात दूर, हम लोग शाम को जाने वाले बाहर खाने होटल में, तो उसका बर्थडे उधर ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, तो एक बात बताना अभी हम लोग चैलेंज मिलेंज कुछ इतने कर रहे, डायरेक्ट जाएंगे इसका बर्थडे का केक ऑर्डर करेंगे, और इसको कपड़े अभी लेने की जरूरत नहीं होगी, सब अच्छे अच्छे कपड़े इसके पास गिरे, आप लोगों ने इसका ड्रेसिंग स्टाइल देखा नहीं अभी तक, ये माधुरी दीक्षित दिखती है एक नंबर, अच्छा भारती सिंह दिखते है एकदम, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि तकलीफा नाल डील करना होता। अच्छा ये भाग्यश्री दिखती है एकदम, मतलब कपड़े वपड़े पहनने का, सो चलते हैं अभी हम लोग केक ऑर्डर करते हैं। मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, मैं टॉम बॉय हूँ। हाँ टॉम बॉय, टॉम बॉय, टॉम बॉय का हेडशॉट खाइए कभी सर पे, अरे तो चलते हैं हम लोग और इसका केक ऑर्डर करते हैं, लेट्स गो। बर्थडे इसका है, इसको खुद को नहीं मालूम इसके बर्थडे को कौन सा कलर कौन सा केक लेने का, कुछ नहीं अभी हम लोग डिजाइन देखेंगे भाई,
उसका फ्रॉस्टिंग का कलर। तू अभी डिजाइन बोल कौन सा मांगता एकदम अच्छा वाला। अभी इसका कैसे कलर चेंज है फ्रॉस्टिंग का वैसे। एक काम कर देते घर पे बना लेते थे केक अपन। भाई अच्छा वाला डिजाइन दिखा दो बस। कहते डॉल वाला पैसा का तुला डॉल वाला ऐसे थे मैं ते डॉल 7 वर्ष से चल। भाई इसको जो पसंद आएगा वो केक लेके जाएंगे हम लोग बस। गाइस आपको जैसे कि पता है कि मैं और भैया गए थे मेरे बर्थडे केक का ऑर्डर देने और भैया आके सो गया था। तो अभी हमारा अभी हम दोनों भी जिम को जा रहे हैं। हम दोनों का प्लान हम ना हमारा नहीं सबका कि हम बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करेंगे। लव यू। और बाद में होटल को खाना वुमेन खाना खाने जाएंगे। फाइनल मैं चलता अभी जिम और अपना आज लेग्स और शोल्डर है वो दोनों वर्कआउट खत्म करता हूँ फटाफट और घर पे आएंगे हम लोग इसका केक लाने जाएंगे। मम्मी डैडी भी उठ जाएंगे तभी तक। सो लेट्स सी कि बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करेगी या फिर जैसे हम लोग होटल को जाएंगे उधर ही सेलिब्रेट करेगा। मुझे भी आइडिया नहीं तो वो टाइम के साथ पता चल जाएगा आप लोगों को। 2000 years later आप लोगों को पता जैसे मैं वर्कआउट करके आता हूँ मैं अपना मतलब प्रोटीन वगैरह लेता हूँ और मेरा मतलब फ्रूट वगैरह कुछ नहीं है शेक वगैरह बनाने के लिए बट अभी कुछ कर भी नहीं सकते। सो अभी ये मेरी बहन आ रही है तो फटाफट तैयार हो जाएंगे और हम लोग उसका केक ले आएंगे और हम लोग उसका आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर इसके बाद हम लोग खाने जाएंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं केक के शॉप में और हमारा केक इधर। अरे क्या बात है एकदम मस्त बना लो भैया। नहीं 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 दिखा नहीं है क्या क्या दिखा केक खाने चलो अभी अच्छे से देखने दे थोड़ा बाद में कटने चलो वो केक। मस्त बना लो भैया इसके अंदर मिक्स फ्रूट है ना एकदम। तो हो गया भाई केक बबी एक्स्ट्रा जे भी है तो दून टक सर मतलब 300 है ना 300 है ना तो उसके बाद मेरे को ये भी दे दो ना ये एक फटाका दो भैया पार्टी पॉपर बोलता था। हाँ ये पार्टी पॉपर दे दो एक और एक वाला कैंडल दो और इसको एक छोटी टोपी डालने के लिए टोपी दे दो छोटी बच्चे ये नहीं 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 उतना ना क्या भैया नाम वगैरह ने बर्थडे का टैग वगैरह लगा दो बस और कुछ नहीं पार्टी पॉप वो दे दो पिंक ये फोड़ने वाला दे दो एकदम मस्त और एक ये मत दो उसको वो टोपी दो बच्चे लोग के लिए टोपी नहीं 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 हमारी मर्जी रहती भाई। सो फाइनली हम लोग हमारा केक ले रहे और केक लेंगे हम लोग घर पे जाएंगे और इसका केक टाइम आ चुका है हमारा केक कटने का और हमारी बर्थडे गर्ल इधर बैठी है और ये लूसी को केक खाने के लिए ग्रिल बार बार आ रही है और ये केक हमारा और यहाँ पे हमारा राम भाई शेरो माधवन्ना कृष्णा हाय बोल हाय माधवन्ना की बहन डैडी दादी और बाबा का उधर खाना चल रहा है। सो फटाफट अभी हम लोग केक कटिंग है बस उसके बाद हम लोग जाएंगे जिधर जाने का। सो अभी आरती चले इसकी आरती मत करो यार भगवान की आरती करे लड़की की आरती कर दे तुम। हाँ ना आरती लाओ एकदम जल्दी ये फोड़ने का मेरे को जल्दी रुकने नहीं ना साल की हो चुकी है फाइनली हमें कर दो पीस करने की ड्यूटी मेरी चेक है इधर खिला उसको खिला और थोड़ा मुंह को भी लगा भाई प्यार से एकदम नहीं नहीं, नहीं 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 लगाने का भाई बड्डे लगाने का सब मुंह को थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो 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 यस नाइस एक नंबर। हाँ चलो सब लोग केक खिलाओ उसको फटाफट। फाइनली मेरे बहन का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है काफी ज्यादा अच्छे से। सो अभी फिलहाल मतलब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं होटल में तो सामने ही जा रहे हैं ज्यादा दूर नहीं दूर जाने का प्लान था 6 बजे निकलते तो हम लोग दूर जाते थे ये मम्मी डैडी किधर गए थे क्या पता 8 बजे घर पे आए भाई तो कैसे किधर जाने जाएगा इतने रात को। माँ जो ये टाइम पे केक लेके आया था मैं कैसा था
कभी नहीं खाते भाई। के कैसा था बबी मिक्स फ्रूट? मैंने सजेशन दिया था ब्लैक करंट ब्लू करंट कर रही थी क्या मेरे पास? नहीं 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 नहीं, वीडियो है मेरे पास, प्रूफ वीडियो निकाला है उधर, ब्लैक करंट ब्लू करंट निकल रही थी। पहली बार मतलब मिक्स फ्रूट का केक लेके हम लोग फैमिली में, आप लोगों ने फोटो देखा, केक मतलब एकदम ज्यादा मीठा नहीं और पूरा फ्रूट था अंदर केक में और इतना टेस्टी था, मतलब पहली बार मेरे घर पे दो पेशेंट है और ये दोनों ने कभी केक खाया नहीं ज्यादा और पहली बार ये लोगों को केक पसंद आया। चलो केक कैसा था? एक नंबर था। एक नंबर। मम्मी मम्मी हाँ ठीक है आई जाओ। परंपराच नहीं मुलीला पण राहून द्या। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है मम्मी नाराज हो गया, अभी मेरी बहन ने पैर ने पड़ी है लोग के, तो ये परंपरा सिखाना पड़ता है हमारे जात में स्त्री लोगों को। ठीक है मम्मी एक एक बात है गाइस, दुनिया को सबको केक पसंद आएगा पर मेरी मम्मी ना एक अलग साइड पर रहती है। मेरी मम्मी कौन सा भी केक लेकर भाई पसंद नहीं आता मालूम नहीं क्या। मैं हैदराबाद का केक खाती भाई प्लेन केक। फिर हैदराबाद चले जाओ, इधर पुणे में क्यों रह रहे हो? अच्छा चले जाओ हैदराबाद। ठीक है कोई ना गाइस, आज का ब्लॉग हम लोग बेंगलुरु बेकरी में का, ठीक है बेंगलुरु बेकरी में का प्लेन केक हमको पसंद। हाँ ठीक है चलेगा। 12 seconds later फाइनली ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है हमारा। सो आई होप तुम लोग अभी तक मेरा ब्लॉग देखो, अगर तुम लोग देखो तो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और हमारे 200 सब्सक्राइबर होने वाले। सो आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं एंड, सो इसी तरह आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं। आई होप तुम लोग अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी, 200 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, कर दो, क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी। हम लोग होटल आ चुके हैं और ये देखो हम लोग अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं डैडी में, हम लोग राम शेरू मम्मी सब लोग। क्या बात है, तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, क्या बात है।